सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को बिल्कुल फ्री और बेल आइकन दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल। इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गूगल के न्यू ऐप लॉन्च के बारे में। गूगल ने आज अपना एक न्यू ऐप लॉन्च कर दिया है। उस ऐप का नाम है गूगल गो। यह ऐप उन यूज़र्स के लिए बनाया गया है जिनके पास कम कीमत वाले हैंडसेट हैं और वो बेहतर गूगल एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। तो उन यूज़र्स के लिए कंपनी ने इस ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप के ज़रिए गूगल की सर्विस जैसे सर्च, वॉइस सर्च, जिप, यूट्यूब ट्रांसलेट और मैप्स व सर्च बार जैसी सभी फैसिलिटी एक जगह मिलती हैं। गूगल गो में सर्च ट्रेंड और किसी खास मुद्दे पर वेब पर चल रही टॉप स्टोरी भी दिखेगी। इस ऐप को गूगल फॉर इंडिया इवेंट में लॉन्च किया गया है। गूगल के वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियरिंग के शशिधर ठाकुर ने इवेंट में कहा कि हमने हजारों इंडियंस से फीडबैक लिया ताकि गूगल गो के ज़रिए एक यूज़र तक इंटरनेट की पहुंच हो सके। गूगल की सेवाओं के अलावा नए गूगल गो ऐप के ज़रिए यूज़र्स को फेसबुक, क्रिकबज और इंस्टाग्राम जैसे ऐप भी मिलेंगे। ऐप में एक बटन है जिससे यूज़र एक टैप पर ही सर्च क्वेरी को ट्रांसलेट कर सकते हैं। 5 MB से कम साइज़ वाला गूगल गो 40% कम डेटा की खपत करता है और इसे 1 GB रैम से कम वाले डिवाइस के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया है। यह ऐप सभी एंड्रॉयड डिवाइस पर आज से डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल है और एंड्रॉयड गो डिवाइस में यह पहले से इंस्टॉल आएगा। 512 MB रैम और 1 GB रैम वाले स्मार्टफोन के लिए गूगल से ओरियो गो का ऐलान किया। यह एंड्रॉयड 8.0 ओरियो का एक ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है जिसे कम कीमत वाले स्मार्टफोन के लिए बनाया गया है। यह अगले कुछ महीनों में अवेलेबल होगा जबकि अभी एंड्रॉयड 8.1 के ज़रिए डेवलपर के लिए अवेलेबल है। ओरियो गो पर चलने वाले डिवाइस में 15% तेज स्टार्टअप टाइम होगा। कंपनी ने कहा कि पहले से इंस्टॉल आने वाले ऐप ऑप्टिमाइज होने पर 50% कम स्टोरेज की खपत होगी। गूगल ने कहा है कि एक रेशियो एवरेज एक एवरेज ओरियो गो डिवाइस में इन ऑप्टिमाइजेशन के साथ 1000 एक्स्ट्रा पिक्चर्स स्टोर की जा सकेंगी। ओरियो गो में स्टैंडर्ड वर्जन में दिए गए सिक्योरिटी फीचर होंगे। इसमें गूगल प्ले प्रोटेक्ट शामिल है। गो एडिशन डिवाइस डिफ़ॉल्ट तौर पर एक्टिव डेटा सेवर फीचर के साथ आएगा। यूज़र कोई भी ऐप डाउनलोड करने में सक्षम होंगे लेकिन इसमें एक नया सेक्शन है जिसमें ख़ास तौर पर गूगल गो एडिशन डिवाइस के लिए ऑप्टिमाइज किए गए ऐप शामिल हैं जैसे फेसबुक लाइट और फ्लिपकार्ट शामिल हैं। गूगल ऐप्स को लो एंड डिवाइस के साथ बेहतर काम करने के इरादे से ऑप्टिमाइज किया गया है और असिस्टेंट, जीमेल, क्रोम, सर्च, मैप्स, यूट्यूब और जीबोर्ड गो वर्जन सभी ओरियो गो डिवाइस में प्रीलोड आएंगे। गूगल गो और ओरियो गो के अलावा इवेंट में फाइल्स गो ऐप लॉन्च किया गया। यह भी गो एडिशन डिवाइस में प्री इंस्टॉल होगा। गो एडिशन डिवाइस के लिए इसमें कस्टम बिल्ड दिया गया है और यह फ़ोन में स्पेस खाली करने, फाइल ट्रांसफ़र और ऑफलाइन फाइल शेयर करने में हेल्प करेगा। ऐप यूज़र्स को हैवी फाइल डिलीट करने या फिर किसी सोर्स जैसे व्हाट्सएप की फाइल को सिर्फ 2 टैप के ज़रिए डिलीट कर सकता है। इस इवेंट में जियो फोन के लिए गूगल असिस्टेंट का स्पेशल एडिशन भी लॉन्च किया गया। किसी फीचर फ़ोन के लिए आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI बेस्ड यह पहला डिजिटल असिस्टेंट है। तो 3 ऐप्स लॉन्च हुए हैं गूगल फॉर इंडिया इवेंट में। आप इनका यूज़ करके देख सकते हैं। ये लो एंड डिवाइसेस के लिए बनाया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और टेक वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव सजेशन देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इसी टाइप की और इससे ज़्यादा इंटरेस्टेड डेली वीडियोस लेकर आते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।